मेरे से मियां खलीफा का नाम पूछ लिया। मैं तो आदमी सोच रहा था ये तो औरत है, क्या रिश्ता कहलाता है कंगना का इनसे, देश पूछना चाहता है। नेता बिक गए, अभिनेता बिक गए क्रिकेट के भगवान, नेता बिक गए, अभिनेता बिक गए क्रिकेट के भगवान। एक ही शख्स देश में बचा है जो नहीं बिक सकता, उसका नाम है भारत का किसान। चूल्हे में चिंगारी, सर पे अच्छा, बदन पे कपड़े तल। नया जो बजट आया, आप कैसे देखते हैं उसको, नया बजट? बाबा जी का ठुल्लू। देखिए, जब से ये सरकार आई 2014 में, उससे पहले आपने टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई नाम सुना था? ये आगे एक नया शब्द ले आया इन्होंने, एक पूरा वो घड़ा प्रोपगंडा, क्योंकि आरएसएस का प्रोपगंडा है ये। आरएसएस ने एक प्रोपगंडा पूरे देश में घड़ दिया कि जो भी तुम्हें तुम्हारा विरोध करे उसे देशद्रोही कह दो, वो चुप बैठ जाएगा। इन्होंने स्टूडेंटों को देशद्रोही कहा, वे चुप हो गए। इन्होंने मुस्लिमों को देशद्रोही कहा, वे चुप हो गए। अब के इनके बाप आ गए किसान, तब इन्हें कुछ ही कह लो, हमारे पर फर्क पड़ता ही ना। और इनके हलक में हाथ दे देगा किसान। भारत का अपने तिरंगा लगाकर ट्रैक्टर पे, ठीक, अगर वो हमें रोकते हैं, तिरंगे पे पानी डालते हैं, तो वो गद्दार देशद्रोही। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर। कभी इंसान से भी पूछ लीजिए, 10 लाख का सूट पहन लेता है, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख के घर या 1.5 लाख का चश्मा, कहता फकर फकीर है, खालिस्तान से जोड़ रहा है। अरे शाहीन बाग में बैठ गया तो पाकिस्तान से जोड़ दिया। अरे भैया बिहार में चुनाव था तो इनका गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहता है आतंकवादी घुस जाएगा, इनका भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है 300 आतंकी बिहार में घुसने के लिए तैयार है, अब कहता है अलकायदा बंगाल में घुसने के लिए तैयार है। तो तू लोग शासन सत्ता में बैठ कर गृह मंत्रालय का छक मारता है, मुजरा कर रहा है वहाँ बैठ के। जब मुकेश अंबानी खिलौना कंपनी खरीदता है एम्बुलेंस, तब प्रधानमंत्री कहते हैं खिलौना बनाइए। मुकेश अंबानी जब जियो फोन को लॉन्च करता है तो एमटीएनएल बीएसएनएल कंपनी को डुबा देते हैं। अनिल अंबानी के लिए राफेल का फाइल डब्बा दिया, रंजन गोगोई जैसा जज अपना ईमान बेच लिया, इतना बड़ा शकुनी मामा तो हमने देखा ही नहीं। अरे भैया का है Not bad. Now you. 132 एक्शन। आओ आओ, हमारे किसान को आत्महत्या करने की नौबत ना आए, हमारे किसान को कर्ज लेना ना पड़े, साहूकार के घर जाना ना पड़े। क्या सरकार की बैंक की जिम्मेवारी नहीं है कि किसान को कर्ज दे, कम से कम ब्याज से कर्ज दे? और किसान ऐसा है, पाई पाई लौटा देता है, उसको आर्थिक ताकत दें, वो साहस करने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है। और अगर गांव में किसान की जिंदगी बदलती है तो अकेले किसान की नहीं बदलती है, खेत में काम कितने लोगों को रोजगार मिलता है। अभी कुछ नहीं निकले, अभी तो ऐसे ही चलेंगी, तारीख पर तारीख और लगेंगी। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? सरकार का अभी मूड नहीं है। आपको कैसे पता? ये 10 तारीख लग ली, कम है। वो सनी देओल बीजेपी में ही तो चला गया सांसद बन के, अब वो अपने डायलॉग को यहाँ इनसे चलवा रहा। गले में पट्टा पड़ने वाला कुत्ता का भी डायलॉग उन्हीं का था कि गले में जिसके पट्टा पड़ जा वो कुत्ता ही बन जा, तो बन गया ना वहाँ कुत्ता। अब क्यों ना बोलता, 2.5 किलो का हाथ मार दे संसद में एक हाथ के। मालिनी जी ने कहा कि ये लोग जो बिल चला रहे हैं लोहड़ी के मौके पर, वो लोग बिल्कुल समझते नहीं है, वो ऐसे ही उनको गुमराह किया जा रहा है। देखिए, ये नाचने गाने वाले हैं, इनका क्या इनका विश्वास करें, इनको तो सिर्फ संसद भी है वो, भूल रहे हैं। वो नाचने वाले गाने वाले की वजह से बना दी उसे, और उसे कह दियो ना सांसद तो आपके बना देंगे, मथुरा में कुछ चली जा, सांता रखा था यार। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है सफेद दाढ़ी वाले जो है घर चले जाए, बोल रहे बुजुर्ग लोग दाढ़ी सफेद हो गई आपकी। वो बता क्यों क्यों कह रहे कि वो मोदी ने अपनी तो छोड़ दी, इनकी सबकी छुड़वा हुआ है। अमित शाह पतंग उड़ा रहे हैं लेकिन किसानों की बिल्कुल नहीं सुन रहे, ऐसे में क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? कल मकर संक्रांति पे उन्होंने पतंग उड़ाया है, डोर काट देंगे। अभी तो पतंग ही उड़ा रहा, जिस दिन मिल जाएगा हमारे डंगर आगे आगे होंगे, और वो बीच में होगा और पीछे सांता लेके किसान होगा। yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers.
ਕੱਢਣੀਆਂ ਅ ਫਿਊ ਮੋਮੈਂਟਸ ਲੇਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਮੋ ਜਿਮਰੇ ਦਾ ਬੈਣ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਗਾਟ ਨੋ ਮਦਰਫਕਰ ਸੋ ਆ ਫੱਕ ਯੋਰ ਬਿਚ ਯੂ ਫੈਟ ਮਦਰਫਕਰ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਬੈਡ ਬੋਏ ਕਿਲ